इस तस्वीर में दिखाई देने वाली महिला का नाम जूलिया ब्राउन है, जो कि एक वुडू प्रीस्ट है। ये महिला जब भी अकेली होती तो एक गाना गुनगुनाया करती थी जिसके बोल थे, वन डे आई एम गोइंग टू डाई एंड टेक द होल टाउन विद मी, जिसका हिंदी में मतलब है कि एक दिन मैं मर जाऊंगी और अपने साथ सारे टाउन को भी ले जाऊंगी। उसे कुछ लोगों ने ये गाना गुनगुनाते हुए सुना था, पर कभी किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1915 में जिस दिन जूलिया ब्राउन की मौत हुई, उसके कुछ समय बाद वहाँ पर भयंकर तूफान आया था जिसमें करीब 300 लोग मारे गए थे और पूरा टाउन एक उजाड़ और वीराने में तब्दील हो गया था। जो किताब आपके सामने है ये कोई आम किताब नहीं, बल्कि मैडम क्यूरी की किताब है जो आज भी रेडियो एक्टिव है। आपको जानकर अजीब लगेगा कि आज तक इस किताब का रेडियो एक्टिव होने की वजह से इस किताब को छूना बिल्कुल मना है और ये बुक अगले 1500 सालों तक ऐसे ही रेडियो एक्टिव रहेगी। हम सबको पता है कि रेडिएशन कितनी खतरनाक चीज़ होती है, पर उस समय लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। मैडम क्यूरी को भी इसकी जानकारी नहीं थी और जिस रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी उसी की रेडियो एक्टिव रेडिएशन की वजह से मैडम क्यूरी की जान गई। कोलंबस के बारे में तो हर कोई जानता है कि उसने अमेरिका की खोज की थी, पर यह बात पूरी तरह से सच नहीं है। दरअसल कोलंबस भारत की संपन्नता से प्रभावित होकर भारत को खोजने निकला था, पर गलती से उसने अमेरिका को खोज लिया। एंशियंट टाइम में जब कप और बाउल का आविष्कार नहीं हुआ था, तब ब्रिटेन के लोग खाने पीने की चीज़ों को रखने के लिए मानव खोपड़ी के ऊपरी गोल हिस्से का इस्तेमाल करते थे। इसके लिए वो खोपड़ी के ऊपर के गोल हिस्से को काटकर अलग कर लेते और उसी में खाने की चीज़ों को रखते थे और खाया भी जाता था। डीजल इंजन का आविष्कार करने वाले साइंटिस्ट रुडोल्फ डीजल ने जब इस इंजन को बनाया तो उन्हें लगा था कि उनकी ये खोज बिल्कुल बेकार है और इसी के चलते वो डिप्रेशन में आ गए, जिसकी वजह से आगे चलकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। उनको ये बात कभी पता ही नहीं चली कि उनका ये आविष्कार एक बहुत ही सक्सेसफुल आविष्कार है और दुनिया की आज करीब 60% गाड़ियाँ डीजल इंजन पर चलती है। जूलिया वॉलेस अपने पति विलियम वॉलेस के साथ लिवरपूल में रहती थी। जूलिया एक हाउसवाइफ थी और विलियम एक सेल्स एजेंट। साल 1931 में जूलिया वॉलेस की लाश उनके घर पर मिलती है। उस दिन विलियम वॉलेस को एक मैसेज आता है जिसमें एक एड्रेस होता है और वहां पर आने के लिए कहा जाता है। विलियम वॉलेस ये सोचकर इस एड्रेस पर जाते हैं कि ये कोई सेल्स कॉल है और उनके पीछे से उनकी वाइफ का मर्डर हो जाता है। जब विलियम को पता चलता है कि ऐसा कोई एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता, तब वे वापस अपने घर आते हैं और उनको अपनी वाइफ की लाश लिविंग रूम में मिलती है। विलियम वॉलेस को पुलिस पकड़ लेती है और अपनी वाइफ की हत्या के जुर्म में उनको फांसी की सजा दी जाती है, पर अपील करने के बाद विलियम वॉलेस को फांसी से मार देने की सजा को हटा दिया जाता है। पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद भी किसी को नहीं पता कि उनकी वाइफ का मर्डर किसने किया था और कब किया था। 2013 में पीडी जेम्स की लिखी गई किताब के अनुसार जूलिया वॉलेस का मर्डर उसके पति यानी विलियम वॉलेस ने ही किया था, पर उसका आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। 1963 में ब्रॉन्स जू में एक प्रियदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां एक जगह लिखा था द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर, पर वहां पर किसी जानवर की तस्वीर नहीं थी बल्कि सिर्फ एक बड़ा सा आईना रखा हुआ था। मिडिल एजेस के दौरान जब किसी को फांसी की सजा दी जाती थी तो फांसी देने के बाद भी उस इंसान की बॉडी को फंदे से झूलता हुआ छोड़ दिया जाता था, वो भी सालों तक, जब तक कि इंसान का शरीर कंकाल में ना बदल जाए। इस तरह की सजा को बिगेटिंग कहा जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि लोगों के दिल और दिमाग में सजा का खौफ पैदा किया जा सके।